दोस्तों, आजकल अगर किसी इंसान को सही रास्ता बताओ, अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है और उसे सही रास्ता बताओ, सही बातें बताओ, तो उसको गलत लगने लगते हैं और वो आपसे अपना रिश्ता तोड़ लेता है, आपसे दूरियां बना लेता है। दोस्तों, ऐसी कई घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल चल रही हैं, जिसमें कोई ना कोई, जब कोई उसे सही रास्ता बताता है तो उनसे दूरियां बना लेता है और बहुत सारे ऐसे रिश्तों को वो ठुकरा चुका है और हर एक रिश्ते से दूरी बना चुका है। दोस्तों, एक घटना है जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, वो घटना कुछ इस प्रकार है जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बाप अपनी बेटी को गलत रास्ते पे चलने के लिए मना करता है और उसको उसके प्रेमी से दूर रहने के लिए कहता है, तो प्रेमी के प्यार में अंधे उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होता है, कहानी की पूरी सच्चाई, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि ये कहानी आप लोगों को भी एक संदेश देगी कि किसी को भी कोई बात समझाने लायक इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, कहानी की पूरी सच्चाई क्या है, आप लोग इस वीडियो में खुद देख लीजिए। दोस्तों, रात के करीब 1 बजे जब पिता की आंख खुली तो उन्हें अपनी बेटी के कमरे में किसी के होने की आशंका लगी, जिसके बाद वो तुरंत अपनी बेटी के कमरे में गए तो उन्होंने वहां देखा कि उनकी शादीशुदा बेटी गांव के एक लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में थी, जिसे देखकर पिता गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने अपनी बेटी की जमकर पिटाई कर दी। लेकिन प्रेमी के प्यार में अंधी हो चुकी बेटी ने अपने प्रेमी के लिए ऐसा कदम उठा लिया जिसे जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये घटना राजस्थान के गंगानगर की है, जहाँ पर रहने वाले चेना राम की एक बेटी थी जिसका नाम था देविका। पहले उन्होंने अपनी बेटी देविका की शादी गंगानगर में ही रहने वाले एक लड़के से, जिसका नाम राधे था, उन्होंने उसकी शादी उससे की थी। लेकिन शादी के बाद देविका का अपने पति से एक बात भी ना बनी और दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा, जिसके चलते देविका अपने पति को छोड़कर अपने मायके में आकर रहने लगी थी। इस दौरान देविका का प्रेम प्रसंग गांव के ही रहने वाले गुरुदेवा नाम के एक लड़के से शुरू हो गया और वह आए दिन चोरी चुपके अपने प्रेमी से मुलाकात करने लगी। दोस्तों, धीरे धीरे जब दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा तो देविका अपने प्रेमी गुरुदेवा को रात को अपने घर बुलाने लगी और उसके साथ अपने नाजायज रिश्ते को अंजाम देने लगी। इस बीच घटना वाली रात भी देविका गुरुदेवा के साथ अपने कमरे में अपने नाजायज रिश्ते को अंजाम दे रही थी, तभी उसी दौरान कमरे से बाहर आई आवाजों से पिता चेना राम की नींद टूट गई, जिसके बाद उन्होंने बेटी के कमरे में जाकर देखा तो उनकी बेटी गांव के ही एक लड़के जिसका नाम गुरुदेवा था उसके साथ आपत्तिजनक हालत में थी। दोस्तों, प्रेमिका के पिता को सामने खड़ा देखकर प्रेमी गुरुदेवा मौके से भाग निकला, लेकिन गुस्से से लाल पिता ने जमकर अपनी बेटी के साथ मारपीट की। लेकिन बेटी अपने पिता की मारपीट से इस कदर बौखला गई कि उसने तुरंत अपने प्रेमी को फोन कर अपने साथ हुई मारपीट की सारी जानकारी देते हुए अपने पिता को सबक सिखाने के लिए उसे अपने घर बुला लिया, जिसे गुरुदेवा यानी कि उसका प्रेमी साथियों के साथ फिर से प्रेमिका के घर आया और उसने उसके पिता को गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्तों, प्रेमिका के पिता की हत्या करने के बाद उसका प्रेमी अपने दोस्तों अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। दोस्तों, जब सुबह हुई और इस घटना की सूचना देविका के परिजनों ने पुलिस को दी तो मौके पर फरार देविका को पुलिस ढूंढने लगी। पहले तो उन्होंने उसके पिता की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके बाद इस हत्याकांड की जांच करना शुरू कर दिया। दोस्तों, लगभग 15 दिनों तक पुलिस देविका की तलाश करती रही, लेकिन एक दिन जब पुलिस ने देविका को गिरफ्तार कर लिया तो देविका से पुलिस ने पूछताछ करना शुरू कर दिया। दोस्तों, देविका ने पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो देविका ने किस तरह से अपने पिता को अपने प्रेमी के हाथों मरवा दिया था, उसने सारी घटना और सारी सच्चाई पुलिस वालों के सामने बता दिया। इसके बाद पुलिस ने देविका और गुरुदेवा यानी उसके प्रेमी सहित हत्या में शामिल उसके दोनों दोस्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि आखिर कोई बेटी अपने प्रेमी के प्यार में इतनी अंधी कैसे हो सकती है कि अगर उसका पिता उसको सही रास्ते पे लाने के लिए उससे कुछ बातचीत करे, उसको समझाए, तो वो अपने पिता को ही मौत के घाट उतार दे। दोस्तों, इस कहानी से बस एक ही सीख मिलती है कि आप लोग किसी को भी इस जमाने में सही रास्ते पे चलने के लिए बोलेंगे
तो वो आपसे दूरी बना लेगा, अपने रिश्तों को तार तार कर देगा, आपकी हत्या भी करवा सकता है, क्योंकि आजकल के लोगों को सच्चाई सुनने की आदत नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग भी ऐसी आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोगों की पहचान करें, उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें, अपने यार दोस्तों को सुरक्षित रखें। और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।